नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो बना रहा हूँ, आई बटन पर लिंक है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं इस कंपनी से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल जाता हूँ। हाँ, ऐसे में आज के दिन दोस्तों 3% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को अभी सेल करने का विचार बना लिए, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा कि क्यों आपको एक भी शेयर नहीं सेल करना है। तो ऐसे में शेयर सेल नहीं करना है तो बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होगा, क्या अभी हम गिरावट में इस कंपनी को बाइंग कर सकते हैं, तो जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर को क्या है कि मतलब देखिए, जिस समय 3% 4% की गिरावट देखने को मिलती है उस टाइम पर उनके दिमाग में एक ही चीज़ आता है दोस्तों कि इस कंपनी में बहुत हैवी गिरावट होगी। हालांकि दोस्तों मेरे पॉइंट से इस कंपनी में एक भी रुपए का आपको लॉस नहीं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं आज की अगर मैं बात करूं तो 2.25% के आसपास आप कह सकते कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, एक रुपए का लॉस नहीं। दोस्तों क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, जिन रिटेलर के पास पुरानी होल्डिंग्स है या मतलब कि जिन्होंने एकदम टॉप पिक की बात करो तो 4000 के ऊपर या 4000 के आसपास बाइंग किया, तो दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे तो 1900 के आसपास ही ये कंपनी चल रही, मतलब जो स्प्लिट का प्राइस है दोस्तों उसी के आसपास ये कंपनी थी। मतलब देखा है तो इस पॉइंट से एक रुपए का भी लॉस नहीं हो रहा है। हाँ, वही पर अगर मैं 6 महीने की बात करूँ दोस्तों, तो 6 महीने में कंपनी ने 40% का रिटर्न बना के दिया और ये कंपनी एक साइड बेस पैटर्न में चल रही है। ऐसा नहीं दोस्तों कि बहुत हैवी गिरावट हो गई या बहुत हैवी तेजी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग अगर मैं जून महीने से बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे जून से ये कंपनी एक साइड वेज पैटर्न में चल रही है। अगर मैं इसको कैलकुलेट भी कर लूँ तो आप कह सकते हैं कि वही 9-10% के आसपास आपको मतलब प्लस या माइनस जो भी है एक्यूरेट देखने को मिल जाएगा। ये भी एक ऐसी कंपनी दोस्तों कि जिससे रिलेटेड देखा है तो आए दिन कुछ ना कुछ आपको न्यूज़ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं रिसेंट में ब्रोकर्स की बात करूं तो लगभग 2200 रुपये के आसपास उन्होंने टारगेट दिया था। हालांकि दोस्तों ब्रोकर्स का जो टारगेट होता है वो देखा गया मतलब लॉन्ग टाइम में वर्क करता है, मतलब 12 महीने का टारगेट होता है। जैसा कि यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव न्यूज़ में देखेंगे दोस्तों, तो आज ही के दिन आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों स्टॉक देखा है तो मतलब निगेटिव रिएक्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी भी देखने को मिला। मतलब जिस हिसाब से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी दोस्तों, उसी पीरियड में देखा है तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आया। पॉजिटिव न्यूज़ क्या था दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करते, इन्होंने अभी पहला जो LCA तेजस है दोस्तों वो देखा है तो इंडियन एयरक्राफ्ट को, जो कि अभी सौंप दिया, जो कि ट्विन सीटर की बात करें तो ये जो कि एक विमान है दोस्तों, मतलब उसको जो है कि सौंप दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ये सबसे बड़ा, इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, इसी टाइप का जैसे जैसे कंपनी मतलब कि एयरक्राफ्ट सौंपती जाएगी, वैसे वैसे कंपनी के जो फाइनेंशियल है, हालांकि कंपनी जो फंडामेंटली है दोस्तों, कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है। और कंपनी के अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अभी तक का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कंपनी का अच्छा देखने को मिलता है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, तो कंपनी के मतलब जो अभी ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे 18 ट्विन सीटर्स और देखने को मिल जाएंगे, जो कि लगभग आप कह सकते हैं कि मतलब इंडियन एयरक्राफ्ट से ही जो कि प्लानिंग हो रहा है, 8 और जो कि बढ़ जाएँ, पहले 10 है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 10 जो है कि चालू है, 2026 तक दोस्तों ये कंपनी हो सकता है 2026 से 27 के बीच में सारे के सारे जो है कि मतलब ट्विन सीटर की बात करें तो ये सारा का सारा जो कि डिलीवर करने का मतलब हो सकता है कि डिलीवरी हो जाए। जैसा कि हम कहते हैं दोस्तों कि इस कंपनी में देखा है मतलब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा ही पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो इन्वेस्टर दोस्तों, अगर उनकी मैं पसंदीदा की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 रीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों अगर मैं रीजन्स की बात करूँ तो वहीं पर आप अगर देखेंगे तो सबसे पहला जो रीजन्स है यहाँ पर कंपनी की बात करें तो 2026 तक ये कंपनी का जो मतलब कि सेल्स की बात करें तो 36,786 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। मार्जिन की बात करो मतलब कंपनी का जो अभी तक का परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, सारा का सारा आपको स्ट्रांग देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों यहां पे आप देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ में भी इस कंपनी के मतलब की प्रोग्रेस देखी जा सकती है। हालांकि ये जाकर के आप पूरा डिटेल से एनालाइज कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ब्रोकर्स हैं इस कंपनी मतलब कि बहुत सारे जो इस्टीमेशन है सारा कुछ मतलब आपको अच्छा देखने को मिलेगा। पीएस की अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो पीएस देखने को मिलेंगे आपको, आप कह सकते हैं कि एक पीएसयू स्टॉक ही देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, सबसे हाई परफॉर्मेंस पे अगर किसी का है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का है, इसको आप चाहे तो कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरा जो कि ग्रोथ इन डिफेंस कैपेक्स की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। डिमांड की बात करें तो डिमांड भी अच्छा खासा है। हालांकि दोस्तों देखिए, चौथा यहाँ पे देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग में जो कि ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, टेक्नोलॉजी भी कंपनी के पास अच्छा देखने को मिलता है। छठवां की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ भी कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड मतलब बात करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा जा सकता है। हालांकि इस कंपनी से रिलेटेड दोस्तों आए दिन कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अपने को न्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो अगर एनलिस्ट प्रभुदास लीलाधर की बात करूँ तो उन्होंने 2226 रुपये 66 रुपये के आसपास मतलब लगभग देखा है तो दोस्तों की
अभी इसका जो कि अप टारगेट है, कोई भी इस कंपनी का सेलिंग का टारगेट नहीं दे रहा। आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में देखा जाए तो कंपनी ने 11 सितंबर के बाद, मतलब जो कि हाई कंपनी का आप कह सकते हैं, ये भी एडजस्टेड है। एक्चुअल में कंपनी 4170-80 रुपये, मतलब 4200 के आसपास गई थी। उसके बाद लो की बात करते 1138 रुपये, जो कि 2022 में देखने को मिलेगा। हाँ, अगर इस कंपनी की बात कर सकते तो देखा है तो आज के दिन आप कह सकते हैं, मतलब प्रेशर क्रिएट हुआ दोस्तों। 15 लाख टोटल से ट्रेड हुए, जिसमें 53% माल डिलीवरी में उठाएगा, जो कि ये पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अभी स्टॉक को दोस्तों सेलिंग क्यों नहीं करना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किसी ने कमेंट किया था दोस्तों, कि बताया था कि 3 साल में ये कंपनी हो सकता है कि पैसे को डबल कर सकती है। जैसा अगर इसके 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 400% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। और अगर वही भी मैं 2021 से इस कंपनी को कैलकुलेट करूंगा दोस्तों, मतलब 4 गुना 5 गुना कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया। 2020 की बात करूँ दोस्तों, तो आप एक बार कह सकते हैं, मतलब कोविड के बाद इस कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया, लगभग 700% का रिटर्न बना के दिया है। 30 पॉइंट से दोस्तों, जिनके पास भी पुरानी होल्डिंग्स है, मेरे पॉइंट से देखिए, जिन्होंने रिसेंट में इस कंपनी को बाइंग किया है, तो अगर आपके पास 3 से 5 साल तक का आप मतलब टाइम है आपके पास दोस्तों, अभी देखिए 2024 के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अभी अगर मैं इलेक्शंस की बात करूँ तो इस समय देखा जाए तो इस कंपनी से रिलेटेड या डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कुछ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज आ रहे हैं। फिर चाहे दोस्तों 2024 में चुनाव, उसके बाद आप चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि जिन्होंने इस कंपनी को रिसेंट में बाइंग किया, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, किसी को भी 1 रुपये का लॉस नहीं होगा मेरे पॉइंट से दोस्तों। हालांकि हम किसी भी बात की जो है कि गारंटी नहीं देंगे, लेकिन हाँ, ये कंपनी आने वाले समय दोस्तों हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 2500 से 2200 रुपये के आसपास जा सकती है। हालांकि 2500 तब जाएगी दोस्तों जब ये कंपनी 2200 पे प्रॉपर कुछ दिनों तक ट्रेडिंग करेगी, तब मतलब जो देखा जाए तो इस समय 1900, मतलब आप कह सकते हैं कि 3800 3700 3800 3900 के आसपास चले, मतलब एक प्रॉपर साइडवेज पैटर्न में कंपनी चल रही, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही जब 2200 के आसपास ये कंपनी चलेगी तो हो सकता है कि 2500 3000 भी जा सकती है। हालांकि अगर गिरावट होती है तो ये कंपनी मेरे पॉइंट से हो सकता है दोस्तों कि 1700 के आसपास आ सकती है, मतलब 1700 नहीं माफ़ करना 1800 1850 के आसपास आ सकती है। हालांकि दोस्तों इसकी गिरावट के कम चांस है, फिर भी एक देखा तो साइडवेज पैटर्न में ये कंपनी चल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।